वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूथ वाला। और अभी आपको पता है कि हम कहां पर हैं, धर्मनगरी हरिद्वार। और हरिद्वार में आ गए हैं तो आस्था के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। माँ गंगा, माँ चंडी, शीतला माता, हर तरीके के मंदिर, भारत माता के मंदिर, हर तरीके के मंदिरों को घूमते हुए सब लोग घूमते हैं, मनसा देवी मंदिर जाते हैं। ये तो आस्था की बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक और पूजा जो कि मैं बात कर रहा हूँ, पेट पूजा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम सब जैसे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं तो वो सोचते हैं कि खाने की कुछ ऐसी जगह मिले जो बहुत ही शानदार हो और एक अपने दिल दिमाग पर छा जाए और ज़िंदगी भर याद रहे कि हाँ, हम हरिद्वार गए थे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में हमें खोजते हुए, पता करते हुए एक बहुत ही यूनिक दुकान पता चली हमें, भोजन के लिए और फास्ट फूड के लिए भी कह लें, एक अलग ही जिसका टेस्ट है, एक अलग ही जिसका फेम है। मैं बात कर रहा हूँ भगवती छोले भंडार, जो यहाँ की हरिद्वार की सबसे फेमस दुकान है, जो यहाँ पर आपको छोले कुलचे, छोले भटूरे और भी कई तरीके के डिशेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम हैं जीवन जी छोले वाले की ब्रांच भगवती छोले भंडार के पास, और देख सकते हैं आप पूरी तरीके से ये ऑक्यूपाइड है, पूरी तरीके से भीड़ भरी हुई है और यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, लाइन लगाना पड़ रहा है। और लाइन लगाने के बाद ही आप अंदर खाने जा पाएंगे। तो अभी हम भी खाने का लुत्फ उठाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसी टेस्ट है और क्या है यहाँ का व्यवस्था। तो चलिए, और लोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनिक लोकेशन पर है, हरिद्वार नगर कोतवाली के बगल में ही है ये भगवती छोले भंडार। तो आप यहाँ आकर, अगर महाकुंभ 2021 में आ रहे हैं तो ज़रूर आकर यहाँ के जायके का लुत्फ उठाइए। चलिए हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो कैसा लगता है। थैंक यू। बन छोले हैं और ये इसको क्या बोलते हैं, चने का सूप है ये, जो आपके खाने को कुछ आ जाएगा। ये कुलचे हैं और ये छोले हैं। सलाद है, सलाद है, चटनी है, चटनी है, अचार है, अचार है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं भगवती छोले भंडार के अंदर और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए लगभग 20 मिनट बाहर खड़े रहने के बाद हमें जगह मिली। ये है यहाँ के सबसे फेमस आइटम्स, इसे बोलते हैं बंद छोले। ये आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो ब्रेड का बन होता है, ये देखिए, इसको मिक्स करके घुलाया जाता है ये, और ये इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। ये अलग से आप किसी छोले के साथ भी ले सकते हैं, भटूरे के साथ भी ले सकते हैं, कुलचे के साथ भी ले सकते हैं। और देखिए, हमने भटूरा ऑर्डर किया तो उसके साथ ये छोला मिला है, आप देख सकते हैं। ये देखने से ही लाजवाब लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। और यहाँ का ये कुलचा है, देख रहे हैं किस तरीके से इस पर मसाले वगैरह लगा कर, बहुत ही। और यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खाना खाते जाइए और पेट की चिंता मत करिए कि एसिडिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ की जो चटनी है वो ऑसम है। और साथ साथ ये देखिए, ये चने का सूप है, चने का सूप इतना शानदार है कि इसको खाने के बाद आप पी लीजिए और सारे टेस्ट कंप्लीट, टेस्ट भी आपके कंप्लीट होंगे और सारी चीज़ें पच जाएंगी आपको, मतलब कि आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खाना पच जाएगा और लगेगा ही नहीं कि आप कुछ खाएं। तो यहाँ का ये सबसे यूनिक स्पेशलिटी है। तो मैं इसको टेस्ट करके, इसको मैं जब चम्मच से टच कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि आखिर है क्या ये, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ।
भाई स्पीचलेस, ऐसा ही चीज़, ये चीज़ मेरी फेवरेट होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन सबसे फेवरेट ये होने वाली है, क्योंकि जो टेस्ट मैं खोजता हूँ पूरी तरीके से मसाले घुल गए हैं अंदर, और इसके अंदर जो बन का टेस्ट आ रहा है ना वो एक अलग अलग ही अभी मैं क्या बताऊँ, एक्सट्रीम लेवल पे। टेन आउट ऑफ टेन, मेरे रेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, इतना यूनिक और टेस्टी। साहित्य तो सोच रहे कि भैया कब वीडियो बंद कर मैं दबाना चालू करूं। इसके बाद मैं ये टेस्ट करके आपको बताता हूं, जो यहां का सूप है, फेमस सूप। आपको चने का ही टेस्ट आएगा, लेकिन इसके अंदर मसाले ऐसे पड़े हैं कि पूरा आपका मुंह के अंदर मसाले घुल रहे हैं, और मुंह से लेके पेट तक सब कुछ एक फ्लेवर, आपको लगेगा कि हाँ छोले भटूरे खा कर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि दुकान का नाम ये बस भगवती छोले भंडार, मतलब छोले की स्पेशलिटी है यहाँ पर, भटूरे और कुलचे तो अलग ही हैं। एक बाइट में कुलचों के भी लेने चाहूँगा और दिखाऊँ कि कैसा लग रहा है इनके स्पेशल छोले के साथ। ये देखिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, मतलब ये देखने में लग रहा है कि कितना ऑयली होगा, क्या होगा, मुंह में जा रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा भी ऑयली है बिल्कुल, हाथ में लग रहा है, लेकिन पेट के अंदर वाली जो इसलिए आ रही ना कि जलन और ऐसा कुछ भी नहीं है। और आते हैं आप कुलचे को टेस्ट करते हैं, कुलचा और ये है छोले। ओ भाई, फिर वही, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, घी का फ्लेवर आ रहा है, अमेजिंग। तो फ्रेंड्स हम तो जा रहे हैं अपने इसका लुत्फ उठाने, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हरिद्वार महाकुंभ 2021 में आ रहे हो, या ऐसे भी कभी भी हरिद्वार में आ रहे हो, तो ये मिस मत करना। खाना खाओगे ही कहीं रुकोगे ही, कोतवाली नगर, कोतवाली के जस्ट लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे अमेजिंग, आप खा लो, अब परेशान नहीं होगे, लगेगा क्या यूनिक। दिल्ली के छोले भटूरे खाते हैं हम कई जगह, तो वो पेट जलने लगा, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, मैंने ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम फिर कुछ खाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, मुंह में पानी लाइए, और छोले भटूरे जहाँ भी है वहाँ का लुत्फ उठाइए, और अपने मन में बना लीजिए बकेट लिस्ट में कि हम आएंगे और यहाँ खाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा मैं, फ़िलहाल के लिए मैं ये खाने जा रहा हूँ, तो अलाउ करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस इफ यू लाइक इट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ साफ, सारे दोने ख़त्म, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये थोड़ा सा जो बचा है इसको मैं निपटा रहा हूँ, इसमें कुछ बचने दूंगा नहीं। टेस्ट मुझे बहुत सही लगा, और इसी वजह से इनका एक और नेक्स्ट आइटम छोले चावल, चावल दिख रहा है कहीं, छोले ही छोले हैं, लेकिन मज़ेदार होने वाला है ये भी, बिलीव मी। तो इसको भी हम लोग लुत्फ उठाते हैं, और इसकी जो चटनी है भाई, मेरे लिए तो बहुत मोस्ट फेवरेट थिंग यहाँ की चटनी। तो आइए इसका भी लुत्फ उठाता हूँ और बताता हूँ, शायद तुम्हें इसका भी लुत्फ उठाना पड़ेगा, शायद तो कह रहे मेरा टैंक फुल हो गया, मैं कह कि कोई नहीं देखते हैं इसको भी। अरे जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाइए तो ऊपर ऊपर रहता है तो लगता है कि बहुत होगा, अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन ये अंदर तक भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी। तो ये देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, देखने में तो बहुत सही लग रहा है। एज यूजुअल इनके सारे आइटम्स बहुत अच्छे हैं रियली। तो अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं
आइए और लुटपुट आइए। चलिए आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। के बाद हम आ गए हैं बाहर और पेट मेरा एकदम फुल हो गया था, लेकिन यहाँ के भैया की स्पेशल रिकमेंडेशन पे कि भैया इसको जरा टेस्ट करके बताइए। ये है गुलाब जामुन और बहुत ही सॉफ्ट, देखिए बस मैं टच कर रहा हूँ और ये कट जा रहा है। अब वाकई गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि आखिर कैसा लग रहा है। अमेजिंग, तो बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका, तो खाने के बाद इसको खाना ना भूलें। तो ये था भगवत छोले भंडार का पूरा कंप्लीट फूड ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, और आपके लिए मेरी तरफ से।